प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। सभी धर्मों के अपने तीज त्यौहार भी हैं। इन्हीं त्यौहारों में से एक है गुड़ी पड़वा का त्यौहार। मान्यता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन संसार में सूर्य पहली बार उदित हुए, इसलिए मान्यता के अनुसार कई लोग गुड़ी पड़वा को संसार का पहला दिन भी मानते हैं। माना यह भी जाता है कि इस दिन त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने किष्किंधा नरेश वानर राज बाली का वध करके लोगों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस खुशी में लोगों ने जश्न मनाकर विजय पताका फहराई थी। इसी विजय पताका को गुड़ी कहा जाता है। आइए आपको सुनाते हैं गुड़ी पड़वा के त्योहार की ये पौराणिक कहानी। सनातन धर्म की कई सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी मानी जाती है। गुड़ी पड़वा का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे उगादि, युगादि और छेती चांद जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा के इस त्योहार को ज्यादातर दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में मनाया जाता है। इसके अलावा गोवा और केरल में इसे कोंकणी समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण भारत में किष्किंधा नरेश वानर राज बाली का शासन था। भगवान श्री राम माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका की ओर जा रहे थे। जैसे ही प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ दक्षिण भारत की ओर पहुंचे, उनकी मुलाकात वानर राज बाली के छोटे भाई सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि उनके बड़े भाई बाली ने सुग्रीव का सारा राजपाट लेकर उनकी धर्म पत्नी को अपनी दासी बना लिया। भगवान श्री राम भी महाराजा सुग्रीव के साथ हुए अन्याय से अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने बाली का वध करने का प्रण लिया, जिसके बाद वानर राज बाली और सुग्रीव के बीच भीषण युद्ध हुआ। बाली के सामने सुग्रीव को लगातार हारता देख भगवान श्री राम ने अपने प्रण की लाज रखते हुए बाली का वध कर लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। वो दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। इसके बाद दक्षिण भारत के लोगों ने खुशी में विजय पताका फहराई, घरों में रंगोली बनाकर जश्न मनाया। तब से आज तक दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा के दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है। इस दिन को विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे भी ऐतिहासिक कहानी है। दरअसल कहा जाता है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दिन युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया था, जिसके बाद से मराठी समुदाय हर साल इस पर्व को मनाने लगा। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों में अच्छे से रंगोली सजाते हैं, अपने घरों से पुरानी चीजों को बाहर निकालते हैं और नए तरीके से जीवन की शुरुआत करते हैं। लोग अपने घरों में इस दिन विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मीठी रोटी खाने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। गुड़ी पड़वा के दिन घर के बाहर एक खंभे में उल्टा पीतल का बर्तन रखा जाता है। इसे गहरे रंग की लाल, पीले या केसरिया रंग की रेशम की साड़ी और फूलों की माला से सजाया जाता है। इसके साथ इसमें आम के पत्ते और नारियल भी लटका दिए जाते हैं। इस दिन लोग सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं। महिलाएं स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों और फूलों से सजाती हैं। घर के एक हिस्से में गुड़ी लगाई जाती है। फिर लोग भगवान ब्रह्मा की पूजा करते हैं और गुड़ी फहराते हैं। गुड़ी फहराने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुड़ी को घर की छत पर स्थापित किया जाता है ताकि इसे दूर से देखा जा सके। गुड़ी को समृद्धि का प्रतीक भी कहा जाता है।
तो बच्चों, आपने देखी गुड़ी पड़वा की कथा। आप इस त्योहार के बारे में एक एक बात समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी एक नई पौराणिक कहानी लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।